डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसको हम एम्बुलेक्रल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसको हम जल संवहन तंत्र कहते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आने वाले सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है और यह इकाइनोडर्मेटा संघ का एक करैक्टरिस्टिक फीचर है। इस सिस्टम में कई सारी रचनाएं पाई जाती हैं और उन सब रचनाओं के मिलने से वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनता है। पहले हम इस सिस्टम के अंतर्गत आने वाली जो रचनाएं हैं उनको जानते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले मैड्रीपोराइट, सेकेंड जो है वो स्टोन कैनाल होती है, तीसरा जो स्ट्रक्चर है इसका वो रिंग कैनाल है। रिंग कैनाल में टीडमेंस बॉडीज होती हैं, रिंग कैनाल से ही पोलियन बेसाइकिल निकलती हैं, फिर रेडियल कैनाल होती हैं, रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल निकलती हैं और लास्ट में इसमें ट्यूब फीट होता है। हम जानते हैं कि संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो जितने भी जीवधारी हैं उनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम के प्रेजेंट होने से इनके अंतर्गत जो ब्लड वेस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड वेस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें अब्सेंट होता है, क्योंकि वाटर के माध्यम से ही जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है वो बॉडी के सभी पार्ट में पहुंच जाती है। अतः इकाइनोडर्मेट्स में ब्लड और जो हार्ट होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होता है और इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स हैं उन तक पहुंचाई जाती है। आइए हम बात करते हैं इसके जो सिस्टम के अंतर्गत जो सारी रचनाएं हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, यह जो स्ट्रक्चर है यह मैड्रीपोराइट कहलाता है। इस मैड्रीपोराइट के द्वारा ही जो जल है वो इकाइनोडर्मेट की बॉडी में एंटर करता है। इस मैड्रीपोराइट में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से जो है वाटर एंटर करता है। मैड्रीपोराइट को हम सी प्लेट के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम लोग घरों में छलनी के द्वारा पानी या दूध को छानते हैं, उसी प्रकार से इसका भी कार्य होता है, क्योंकि ये जो वाटर आ रहा है उसको वाटर को ये या जल को जो है छान कर अंदर की ओर भेजता है। अंदर की ओर ये देखिए स्टोन कैनाल के द्वारा यह पानी जो है इकाइनोडर्मेट की बॉडी में पहुंचता है। स्टोन कैनाल को हम देख रहे हैं कि यह इंग्लिश के जो एक लेटर है एस, उसके आकार की एक इलोंगेटेड संरचना है। स्टोन कैनाल को स्टोन इसीलिए कहा जाता है कि इसमें कैलकेरियस सब्सटेंसेस का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से यह जो रचना है वो बहुत हार्ड हो जाती है, जस्ट लाइक स्टोन। इसीलिए इसको स्टोन कैनाल कहा गया है। स्टोन कैनाल जो है वो अंदर की ओर जो है रिंग कैनाल में खुलती है। देखिए, यह जो है रिंग कैनाल है और रिंग कैनाल की जो शेप होती है वो जनरली पेंटागोनल पंच आकृति प्रकार की यह रचना होती है।
ये रिंग कैनाल के अगर हम अंदर की ओर देखें तो आपको ये ग्रीन कलर में बहुत सारे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इन स्पॉट्स को हम कहते हैं टीडमैन्स बॉडी। टीडमैन्स बॉडी और इन स्टार फिश में ये टीडमैन्स बॉडी जो है वो 9 होती हैं, 9 इन नंबर। जनरली ये 5 पेयर्स होती हैं, लेकिन स्टोन कैनाल जो देख रहे हैं आप, रिंग कैनाल में यहाँ पर अगर खुल रही है तो रिंग स्टोन कैनाल की प्रेजेंस होने की वजह से जो एक टीडमैन्स बॉडी है वो यहाँ पर जो है अब्सेंट होती है। तो स्टार फिश में 10 टीडमैन्स बॉडी के स्थान पर 9 टीडमैन्स बॉडी पाई जाती हैं। टीडमैन्स बॉडी जो होती हैं वो फैगोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं। इन फैगोसाइट्स को हम सीलोमोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और इनका देखिए कार्य क्या होता है, अगर पानी के साथ कोई सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया या वायरसेस अगर काइनोडर्मेट की बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो उनको यह टीडमैन्स बॉडी जो हैं फैगोसाइट्स या सिग्लेमोसाइट प्रोड्यूस करके उनको किल या मारने का कार्य करती हैं। अब देखेंगे रिंग कैनाल में बाहर की ओर अगर हम देखें तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको हम पोलियन वेसिकल कहते हैं और इन पोलियन वेसिकल की संख्या भी 5 होती है। पोलियन वेसिकल जनरली जो है वाटर रिजर्वॉयर की तरह कार्य करते हैं और ये स्टार फिश में ये अब्सेंट होते हैं। स्टार फिश के केस में जो पोलियन वेसिकल हैं वो अब्सेंट होते हैं। पोलियन वेसिकल का कार्य आपने जान लिया कि पोलियन वेसिकल में जो है पानी आकर जो है कंजर्व रहता है, अर्थात ये वाटर रिजर्वॉयर की तरह कार्य करते हैं। अब देखिए पोलियन वेसिकल के बाद हम पढ़ेंगे रेडियल कैनाल के बारे में। देखिए रेडियल कैनाल जो है यहाँ पर मैंने रेड कलर से ये रेडियल कैनाल बनाई हुई है। देखिए दिस इज रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल की संख्या भी 5 होती है और ये स्टार फिश की जो प्रत्येक जो आर्म है, जैसा हम जानते हैं कि स्टार फिश में भी 5 आर्म होती हैं, तो प्रत्येक आर्म में एक एक रेडियल कैनाल जो है लास्ट तक जो भुजा या आर्म का जो अंतिम सिरा है वहाँ तक ये रेडियल कैनाल जाती है और वाटर को सप्लाई करती है। अब देखिए रेडियल कैनाल से ही अगर हम देखें तो यह जो है लेटरल कैनाल निकली हुई हैं। रेडियल कैनाल से जो है रेडियल कैनाल से बहुत सारी जो है लेटरल कैनाल्स निकलती हैं। लेटरल कैनाल्स देखेंगे आप ये दो प्रकार की होती हैं, एक साइज में या लंबाई में कम होती हैं और दूसरी जो है लंबाई में ज़्यादा होती हैं। और यह जो है अल्टरनेटिव क्रम में छोटी और बड़ी, एक छोटी फिर एक बड़ी फिर देन छोटी और फिर उसके बाद बड़ी, तो इस प्रकार से ये अल्टरनेटिव क्रम में जो है रेडियल कैनाल पर लगी हुई रहती हैं। अब हम बात करेंगे ट्यूब फीट की। जैसे आप देख रहे हैं कि जो लेटरल कैनाल्स हैं उन पर जो है ट्यूब फीट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये जो रचनाएं हैं वो ट्यूब फीट कहलाते हैं। लेटरल कैनाल पर आप देख रहे हैं कि ट्यूब फीट लगी हुई हैं और इस ट्यूब फीट के 3 भाग होते हैं। ट्यूब फीट की हम बात करें तो देखिए ट्यूब फीट के 3 भाग होते हैं। एम्पुला, पोडियम एंड सकर। देखिए ये फूला हुआ इसका जो भाग है उसको हम
एम पुला कह रहे हैं। देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ अलग से, यहाँ पर एक दिस इज एम पुला, और जो ये एम्पुला के बाद जो ये नैरो एक पोर्शन है जिसको हम कह रहे हैं पोडियम, ये जो भाग है वो पोडियम है। और पोडियम के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं ये सकर है। सकर की सहायता से ये किसी सबस्टेटम से चिपके हुए रहते हैं। तो आपने देखा कि ये सारे जो रचनाएं हैं ये सब मिलकर जो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल इकाइनोडर्मेट्स। अब इसके हम फंक्शन की बात करेंगे कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम का जो फंक्शंस क्या होते हैं। पहला जो इसका फंक्शन है वो ये रेस्पिरेशन में काम करते हैं, दूसरा लोकोमोशन, तीसरा कैप्चरिंग ऑफ फूड। ट्यूब फीट की सहायता से ये अपने भोजन को भी कैप्चर करते हैं। चौथा जो है किसी सबस्टेटम पर चिपक जाना, चिपकने का कार्य भी इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम में जो हमने पढ़ा ट्यूब फीट जो होते हैं उनकी सहायता से ये किसी सबस्टेटम से भी चिपक जाते हैं। एडेशन, यह इसको हम कहेंगे एंकरेज का काम भी ये करते हैं। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उसमें रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, और जो उनका भोजन पकड़ने का जो कार्य है, और किसी सबस्टेटम से जो चिपकने का कार्य है वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में और इजी वे में आपको इकाइनोडर्मेट के अंतर्गत जो आने वाला जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। और इसको हम स्टार फिश के अंदर भी इसको सेम वे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन स्टार फिश में आप जो है ये पोलियन वेसिकल्स यहाँ से जो है रिमूव कर देंगे कि स्टार फिश का जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है उसमें पोलियन वेसिकल जो है नहीं पाया जाता है, और बाकी सभी रचनाएं जो है सेम रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।